दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपलिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा था अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो so स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है जी आई एस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे कि ये है क्या जियोग्राफिक मतलब जियोग्राफी ठीक है भूगोल और इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी सिस्टम ठीक है जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं हम जी और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड टूल्स यूज टू स्टोर, विजुअलाइज एनालाइज एंड इंटरेप्ट जियोग्राफिक डाटा ठीक है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है ठीक है जिसका हम यूज़ किस किस में करते हैं डाटा को ज्योग्राफिक डाटा है जो पूरे वर्ल्ड का ठीक है कहीं का भी हो सकता है जियोग्राफिक डाटा उसको स्टोर करने में विजुअलाइज करने में एनालाइज़ करने में और इंटरप्रिटेशन में ठीक है इसमें हम यूज़ करते हैं सो जियोग्राफिक डाटा ऑल्सो कॉल्ड स्पेशियल और जियो इस्पेशियल डाटा जियोग्राफिक डाटा को हम और क्या कहते हैं स्पेशियल और जियो स्पेशियल डाटा भी कहते हैं ठीक है आइडेंटिफाइज द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ फीचर ठीक है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये क्या है अर्थ है ठीक है तो इसका जो कुछ भी डाटा होगा वो हम किस में स्टोर करके रखेंगे एक सॉफ्टवेयर में ठीक है मैप एनालाइज डाटा एप्स करियर्स एंड सैटेलाइट्स जो कुछ भी जैसे भी जिस भी थ्रो डाटा हम लेंगे उसको कलेक्ट करके रखना ही क्या है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ओके जे आई एस कैन बी यूज टू प्रोवाइड आ विज़ुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ठीक है जे आई एस क्या करता है हमें विजुअल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है डाटा की ठीक है जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है गूगल मैप्स ठीक है ये क्या है वेब बेस्ड जी आई एस मैपिंग सोल्यूशन दैट पीपल यूज़ फॉर एवरी डे नेविगेशन परपज ठीक है गूगल मैप्स क्या है एक तरीका का डाटा ही है ठीक है एक मैपिंग सिस्टम है जो जो हम यूज़ करते हैं ठीक है और बहुत ही ईजी हो जाते हैं गूगल मैप्स से अगर हमें कोई लोकेशन देखनी हो तो हमारे लिए क्या हो जाता है बहुत ईजी हो जाता है ठीक है नाओ कंपोनेंट्स ऑफ जी आई एस क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सो दे आर आर फाइव मेन कंपोनेंट्स ऑफ जी कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा प्यूपल एंड मैथड्स ये कुछ कंपोनेंट्स हैं एक एक करके हम समझते हैं फर्स्ट है हार्डवेयर पहले तो हम हार्डवेयर समझते हैं हार्डवेयर क्या है जैसे कि मान लीजिए ये एक फ़ोन है ये एक एंड्रॉयड फोन है ये एक एप्पल का फोन है ठीक है ये क्या है एंड्रॉयड और ये एप्पल ओके okay? तो अब इसको किसकी ज़रूरत है हार्डवेयर की जरूरत ज़रूरत है ठीक है थीके? अगर फ़ोन नहीं होगा तो उसमें हम चलाएंगे क्या है ना तो फ़ोन क्या है जो फिज़िकल जिसको हम छू सकते हैं टच कर सकते हैं वो क्या है हार्डवेयर है ठीक है ऐसे ही सारे कंप्यूटर्स प्रिंटर प्लॉटर ये सब क्या हैं इनको हम टच कर सकते हैं ठीक है थीके? ये सब हैं हार्डवेयर ओके तो हार्डवेयर इज द कंप्यूटर सिस्टम ऑन विच आई ऑपरेट जी आई एस सॉफ्टवेयर ठीक है जैसे सॉफ्टवेयर है जी आई एस सॉफ्टवेयर है तो वो किस में चलेगा उसके लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत है ठीक है जैसे कोई मूवी है मूवी हम किस में देखेंगे टी वी में ठीक है टी वी होगा उसमें मूवी चलाएँगे तब देखेंगे तो टी वी क्या होगी हमारी हार्डवेयर ओके जैसे कोई पी पी टी बनाई कोई प्रेजेंटेशन बनाई तो प्रेजेंटेशन क्या हो गई सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए ठीक है कंप्यूटर में चलाओगे आप किसी भी चीज़ में लैपटॉप में चलाओगे फ़ोन में चलाओगे तो वो क्या हो गई ये सब चीज़ें क्या हो गई हार्डवेयर हो गई ओके दे अटैच इट टू अ डिस्क ड्राइव स्टोरेज यूनिट यूज फॉर स्टोरिंग डाटा एंड डर प्रोग्राम ठीक है ये क्या करते हैं जैसे ये कंप्यूटर है ये क्या करेगा इसमें स्टोरेज होगा ठीक है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके एज अ सॉफ्टवेयर रख सकते हैं ठीक है द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर क्या क्या है मदरबोर्ड प्रोसीजर रैम हार्ड डिस्क ग्राफिक्स मोनिटर प्रिंटर्स ये सब क्या हैं हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं ओके अब जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर में कोई इमेज है ओके okay? अब वो इमेज की आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप क्या करोगे उस इस कंप्यूटर से प्रिंटर के थ्रू उस इमेज की हार्ड कॉपी निकलवा लोगे ठीक है प्रिंट करके आपके पास एक कागज़ में आ जाएगी वो इमेज ठीक है नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर जी सॉफ्टवेयर इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ रिसर्च एनालिसिस एंड डिस्प्ले जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एक मेजर फंक्शन है किसका रिसर्च एनालाइज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ठीक है जी आई एस टूल्स हेल्प टू क्वारी एडिट रन डिस्प्ले जी आई एस डाटा ठीक है सॉफ्टवेयर जैसे कि अब ये देखिए ये क्या है कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर क्या है ये एक इमेज है ओके ये कहीं का मैप है ठीक है तो ये मैप क्या है सॉफ्टवेयर है ठीक है हार्डवेयर क्या होगा कंप्यूटर उसके अंदर जो हमें दिख रहा है लाइक ये इमेज वो क्या है सॉफ्टवेयर है ठीक है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं इसे ठीक है डिस्प्ले कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं ठीक है ये सब किस में आएगा सॉफ्टवेयर में कुछ जी आई एस हैं कौन कौन से आर्क जी आई एस क्यू जी आई एस ऑटो सी ए डी मैप सागा जी आई एस मैप इन्फो आई एल डब्ल्यू आई एस एंड मोर ये सब क्या है कुछ जी आई एस सॉफ्टवेयर हैं ठीक है इनमें से कुछ एप्स आपको मिल जाएंगे और आप इनका यूज़ भी कर सकते हो ओके द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर जी आई एस टूल्स डी बी एम एस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जी यू आई ग्राफिकल यू यूजर इंटरफेस क्वारी टूल्स एंड लेआउट ये कुछ कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर जैसे कि ये इमेज है ठीक है तो इसमें ये क्या है इसका इंडेक्स समझ लीजिए ठीक है लेआउट इंडेक्स टाइप का तो इसमें ब्लॉक है और उसमें है मान लीजिए बिल्डिंग ठीक है तो हम उस इस, इस ब्लॉक को देख के इस मैप में पहचान जाएंगे कि बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे है ठीक है जैसे इसमें बिल्डिंग्स में ग्रीन कलर है ठीक है तो हम इसमें देखेंगे कि ग्रीन कलर कहाँ है और वैसा ही हम इस इमेज में समझ जाएंगे कि यहाँ यहाँ बिल्डिंग्स हैं ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से इस एरिया को समझ लेंगे कि कौन सा क्या बता रहा है ठीक है नेक्स्ट है डाटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जी आई एस एस द डाटा ठीक है जो जी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो डाटा है अगर डाटा नहीं होगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं ठीक है फिर का, काई की इंफॉर्मेशन आ जी आई एस विल इंटीग्रेट स्पेशल डाटा विथ ऑर्डर डाटा रिसोर्सेज एंड कैन इवन यूज डी बी एम एस सो डाटा किस तरीके से होता है और किस तरीके से स्टोर होता है ये देखिए देखिए यह है रियल वर्ल्ड ओके ये ओवरऑल है अब डाटा जो हम स्टोर करेंगे वो किस तरीके से कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं तो जी आई एस डाटा लेयर्स ये क्या है लेयर्स हैं इस कुछ इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से डाटा हमारे पास होगा योर डाटा ठीक है ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में दिख रही हैं आपको अलग इमेज है बाउंड्री एंड डेमोग्राफिक लैंडमार्क वाटर फीचर एलिवेशन इमेजरी ये अलग अलग इमेज के थ्रू अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है ठीक है ओवरऑल इसमें से ओके okay? जिससे कि आप आसानी से एक एरिया को पहचान सकें कि ये एरिया बिल्डिंग वाला है ये एरिया वाटर फीचर्स हैं ये एरिया ट्रांसपोर्टेशन वाला है ओके okay? सो so, एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करना कलेक्ट करना एंड देन स्टोर करना क्या है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डाटा सोर्स स्ट्रीट डाटा ये कुछ इसकी डाटा लेयर ठीक है बिल्डिंग डाटा ये वेजिटेशन डाटा इंटीग्रेटेड डाटा ओके ये अलग अलग लेयर्स हैं ये पूरा ओवरऑल है फिर इसमें से वेजिटेशन दिखाया गया अलग से बिल्डिंग्स का अलग है स्ट्रीट डाटा अलग है ठीक है जैसे कि मान लीजिए ये एक इंडेक्स बनाया ठीक है जैसे कि बुक्स में इंडेक्स रहते हैं तो उसमें क्या रहता है यहाँ पर टॉपिक डाल दिए जाते हैं और यहाँ पर पेज नंबर लिख दिया जाता है कि इस टॉपिक का इतने से इतने के बीच में पेज नंबर पर यह टॉपिक पड़ेगा ताकि आपको जब आप कोई टॉपिक ढूंढो तो इंडेक्स में जाके आप पहले देख लो कि पेज नंबर कौन से पे हमें ये टॉपिक मिलेगा ठीक है जिससे आपको आसानी हो जाएगी आपको पूरी बुक देखनी नहीं पड़ेगी ठीक है इंडेक्स के थ्रू तो आप अपने टॉपिक पे डायरेक्टली जा सकते हो ओके कुछ इसी तरह से जी आई एस डाटा भी हम पहले कलेक्ट करते हैं फिर उनको लेयर्स में स्टोर करके रखते हैं ठीक है नेक्स्ट है प्यूपिल अब डाटा भी है डाटा को रखने के लिए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर भी है ठीक है उसको चलाने के लिए हार्डवेयर भी है बट इन सबको मैनेज करने वाला कौन है पीपल यूजर ओके पीपल आर यूज़र ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दे कैन बी हैंडल ऑल दी टास्क इन जी आई एस सॉफ्टवेयर ठीक है ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर पीपल नहीं होंगे यूजर नहीं होंगे तो फिर उस डाटा को मैनेज कौन करेगा सो यूज़र कैन मेंटेन टू डिज़ाइन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यूजर्स क्या करेंगे उस डाटा को मेंटेन करके रखेंगे सिस्टमैटिक ढंग से उसको यूज़ करेंगे ठीक है इट हैज़ लिमिटेड वैल्यू विदाउट द पीपल हु मैनेज द सिस्टम एंड डेवलप प्लान्स फॉर अप्लाई इट टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ठीक है पहले क्या किया हमने डाटा कलेक्ट किया उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर किया ओके okay? एनालाइज किया फिर अप्लाई किया ठीक है जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक उस डाटा का क्या मतलब ठीक है पहले कलेक्ट कर किया स्टोर किया एनालाइज किया प्लानिंग की एंड देन अप्लाई किया अप्लाई किसके थ्रू ये सब किसके थ्रू हो रहा है यूजर्स के थ्रू प्यूपल्स के थ्रू ठीक है जी आई एस यूजर इज कॉल्ड जी आई एस एनालिस्ट एंड इंजीनियर्स ओके नेक्स्ट है मैथड सो प्रोसीजर इज मोर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ऑफ जी आई एस ठीक है ये भी प्रोसीजर भी जरूरी है ठीक है इट रिफर्स ऑफ लाइन ऑफ रिपोर्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स एंड अदर मैकेजम फॉर इंश्योरिंग द हाई क्वालिटी ऑफ जी आई एस अब मैथड और मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि ये ऐसा वैसा तो डा डाटा है नहीं है छोटा मोटा ये क्या है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है ग्लोबली अलग अलग लोकेशन का तो हमें इसको ढंग से मैनेज करके रखना है अ सक्सेसफुल जी आई एस ऑपरेट्स विच आर द मॉडल्स एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस यूनिक वेल डिजाइन बिजनेस रूल्स टू ईच ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसीजर यूज टू इनपुट एनालाइज एंड क्वारी डाटा डिटरमाइन द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ठीक है जैसे मान लीजिए ये किसी एरिया का डाटा है ठीक है क्या किया हमने इस डाटा में जो डेट्स हैं वो अलग अलग कर दी या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो गई ठीक है तो अगर इसको अगर हम कहीं अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पे भी चांसेस हैं कि गड़बड़ हो जाएगी ठीक है इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है प्रोसीज़र बहुत ज़रूरी है नाउ एप्लीकेशन ऑफ जी जी आई एस द इनोवेटिव जी आई एस टेक्नोलॉजीज़ आर यूज़फुल टू वर्चुअली एनी इंडस्ट्री जी आई एस की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं अलग अलग फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैपिंग टेलीकॉम सर्विसेज अर्बन प्लानिंग स्मार्ट सिटी इन्वॉर्मेंटल मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर एप्लीकेशनस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये कुछ फील्ड्स हैं अलग अलग जहाँ पे हम जी आई एस अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके हम देखेंगे फर्स्ट है मैपिंग सो मैपिंग को हम एक सेंट्रल फंक्शन जी आई एस का लेके कंसीडर करते हैं ठीक है ये क्या है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की जो कि जी आई एस के द्वारा स्टोर की जाती है डाटा बेस में ओके मैप आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेवरल एंटाइटीज इन दी करेंट सिचुएशन ठीक है जैसे एग्जाम्पल दिया था गूगल मैप्स गूगल मैप्स क्या है एक जी का ही एग्जाम्पल है ओके उसमें हमें हर जगह का डाटा मिल जाएगा ठीक है कोई भी लोकेशन हम इजीली सर्च कर सकते हैं और वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सो so, नेक्स्ट है टेलीकॉम सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज में कैसे हम एक प्लान करके क्या कर सकते हैं नेटवर्क और अच्छा कर सकते हैं किसी भी एरिया में जिस एरिया में नेटवर्क नहीं है वहाँ जाके हम इसके थ्रू एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग एज पॉपुलेशन ग्रो सो डू अर्बन सेटलमेंट्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेंगी ठीक है जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना ही क्या चाहिए फिर रहने को घर चाहिए बिल्डिंग्स चाहिए फूड चाहिए खाना चाहिए हर चीज़ चाहिए ठीक है सो दिस गिव द प्लानर मच लेसर स्पेस एंड रिसोर्सेज टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या हो जाएगा हमें अर्बन प्लानिंग हमें अर्बनाइजेशन करने में बहुत हेल्प हो जाएगी ठीक है हम किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ पर वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए ये एक एरिया है और इतने एरिया में डेवलपमेंट है बिल्डिंग्स हैं पाइपलाइंस हैं नेटवर्क है हर चीज़ है ठीक है इतने एरिया में कुछ नहीं है ठीक है और यहाँ पे थोड़ा बहुत है तो हम क्या करेंगे इसकी हेल्प से जो पुराना डाटा है उसको देखेंगे ठीक है उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है ऑलरेडी डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ पे नहीं है तो हम ज़्यादा फोकस कहाँ पे करेंगे इस एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना चाहिए ओके सर तो इसकी हेल्प से हम एक बेटर प्लानिंग करके डेवलपमेंट कर सकते हैं उन एरियाज में जहाँ पर ज़रूरत है नेक्स्ट स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीज भी अर्बनाइजेशन में ही आ जाएंगी ओके okay? हम कैसे इसका यूज़ करके एक अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं ठीक है जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सिटी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ओके इट प्रोवाइड अ कॉमन ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म टू ऑल द सेक्टर ऑफ द रीजन नेक्स्ट है एन्वामेंटल मैनेजमेंट जी आई एस इज़ यूजफुल इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एज इट फैसिलिटेट मॉनिटरिंग ऑफ़ दी चेंज इन सॉइल वाटर एयर एंड ट्री कवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जी आई एस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है क्यों क्योंकि ये हमें हेल्प करता है मॉनिटर करने में क्या क्या चेंज इन सॉयल वाटर एयर एंड ट्री कवर जैसे कि ये एक एरिया ठीक है यहाँ का पहले हमने डाटा लिया इतने एरिया का कुछ टाइम बाद फिर से हमने इस एरिया का डाटा लिया ठीक है दोनों को कम्पेयर किया और फिर पता लगाया कि कितना क्या चेंज हो रहा है ठीक है यहाँ पे क्या है ये क्या है सॉइल पहले का डाटा और फिर कुछ टाइम बाद फिर से लिया उस, उस एरिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और दोनों को कंपेयर किया कि यहाँ पे इतने टाइम में क्या क्या चेंज हुआ है इस सॉइल में या वाटर में एयर में या किसी भी चीज़ में ठीक है सो इट हेल्प्स इन इन्वायमेंटल कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर्स ठीक है ये क्या करता है ये किस में हेल्प करेगा इन्वामेंटल कंजर्वेशन ठीक है इन्वामेंट को कंजर्व करने में उसको प्रोटेक्ट करने में वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में और जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उनको कम करने में ये हेल्प करेगा एग्जाम्पल्स ऑफ जी आई एस एप्लीकेशंस आर हज़ार्ड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हमें जी आई एस के थ्रू पता चला कि किसी सी में या फिर मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उठ रहा है ठीक है या फिर लैंडस्लाइड होने वाला है संभावना लग रही है कि लैंडस्लाइड होगा ओके okay, ऐसा कुछ लग रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे और तैयार रहेंगे कि ज़्यादा डैमेज ना हो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट एलोकेशन वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ऑयल स्पिल्स एंड सो मैनी मोर इशू दैट आर आर थ्रेट टू दी इन्वॉर्मेंट ठीक है ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि जी आई एस को हम अप्लाई करके रोक सकते हैं या फिर उनको संभाल सकते हैं ठीक है थीके? और इन्वामेंट को कंजर्व करके रख सकते हैं इन्वायमेंटल मैनेजमेंट में जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन जी आई एस इज़ बीग यूज इन मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड वाटर बॉडीज़ ठीक है मैनेजिंग वाटर सप्लाई मॉडलिंग सीवर सिस्टम जी आई एस क्या करता है ये हमें मोनीटर करने में हेल्प करता है ठीक है किसमें नेचुरल और मैन मेड वाटर बॉडीज़ में और मैनेजिंग वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई कैसी क्या होगी ठीक है कहाँ कहाँ होगी और अगर किसी एरिया में नहीं है तो हम उस एरिया में कैसे कर सकें डेवलपमेंट वो हम कर सकते हैं ठीक है मॉडलिंग सीवर सिस्टम सीवर सिस्टम्स जो होते हैं किसी एरिया में हैं किसी एरिया में नहीं है तो हम पहले का डाटा देख के बता सकते हैं कि इस एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है मॉडलिंग ग्राउंड वाटर मॉडलिंग स्ट्रॉन्ग वाटर एंड नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन मॉडलिंग ऑफ फॉर अर्बन एग्रीकल्चर एरिया एग्रीकल्चर में हम जी आई एस का यूज़ कैसे कर सकते हैं जो फसलें हैं क्रॉप्स हैं उनको मॉनिटर करके ओके कि हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ की वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होगा अगर हेल्दी क्रॉप होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा हेल्दी इतनी नहीं होगी क्रॉप तो वहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं होगा ओके okay? ये हम इमेज के थ्रू पता लगा सकते हैं जी आई एस के थ्रू ठीक है जी आई एस हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ फार्मिंग टेक्निक एंड पोस्ट हारवेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट इट कैन ऑल्सो एन इनसाइट इनटू द सॉयल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग मिनरल कंटेंट एंड टोपोग्राफी। ओवरऑल हम पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रॉप कैसी है उसको हमारी सॉइल को क्या क्या ज़रूरत है ठीक है और कौन सा फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो सॉइल है उसमें क, आ, कुछ अगर इफेक्ट होगा अच्छा इफेक्ट होगा बुरा इफेक्ट होगा ये सब हम पता लगा सकते हैं और सॉइल का मॉइस्चर कैसा होगा और उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा ना हो ये सब कुछ पता लगा सकते हैं जी के थ्रू ओके okay? सो so, ये था आज का हमारा टॉपिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा ओके जी आई एस का कि जी आई एस क्या है और देन कंपोनेंट्स uh, जिसके पांच मेन कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्यूपएल प्रोसीजर एंड डाटा देन एप्लीकेशन ऑफ जी आई एस सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली हैव अ नाइस डे